लेट्स बिगिन विद स्टडी नंबर सेवन यहाँ पे डिविडेंट प्राइस अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए हम एक स्टडी को सॉल्व कर रहे हैं एबीसी पॉलिमर लिमिटेड इनकम एंड स्टेबल डिविडेंट पॉलिसी एवरेजेंड पेयर वेर वैल्यू पर शेयर इज रुपीज टेन यूर इन टू फाइंड आउट फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इफ मार्केट प्राइस इन ईयर इज रुपीज वन फिफ्टी तो लेट्स स्टार्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू डिविडेंट प्राइज अप्रोच ऐसे जाता है कि आपको डिविडेंड पर शेयर लेना है डिवाइड करना है करंट मार्केट प्राइस और हमें मल्टीप्लाई करना है हंड्रेड क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए जो हमें परसेंटेज फॉर्म में मिलेगी तो आपकी आएगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर है आपका ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई वन फिफ्टी जो आपकी मार्केट प्राइस है अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको हंड्रेड के साथ और आपका आंसर जो आने वाला है वो आएगा

ये जो है अपने शेयर होल्डर को एक स्टेडी इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड देती आ रही है सो वी कैन सर्टनली यूज डिविडेंड प्राइस अप्रोच इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिकॉज डिविडेंड की यहाँ पे सर्टेनिटी है ओके okay, तो अगर हमें नहीं भी दिया होता डिविडेंड प्राइस अप्रोच तो भी लुकिंग एट द क्वेश्चन वी कुड हैव द सेम फॉर्मुला सेकंड क्वेश्चन अभी हम देखेंगे एक्सपेक्टेड प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है इन अ ईयर टू

मार्केट प्राइस इक्वल टू ट्वेंटी करना पड़ेगा 20 आप प्रेस करोगे, का बटन आपको आंसर आएगा रुपीज वन थर्टी फाइव पर शेयर तो आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होने वाली है एक्सपेक्टेड प्राइस जो होने वाली है इन सेकेंड ईयर इफ ऑफ इक्विटी राइजेस टू ट्वेंटी परसेंट गोइंग टू बी रुपीजी है, two, 160 कितनी है? तो ये है आपकी एटीन परसेंट ओके डी पी एस आपको फाइंड आउट करना है कितना हो सकता है अगर आपके जो मार्केट प्राइस है शेयर की वो वन सिक्सटी हो जाती है तो बहुत आसान है डीपीएस इक्वल टू वन सिक्सटी इन एटीन परसेंट Which is going to be around आपका डिविडेंड इन रुपी फॉर्म होने वाला है ट्वेंटी एट पॉइंट एट जीरो के साथ अप्लाई कर सकते हो जो कंपनियां स्टेबल इनकम देती है तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी जो है वो फॉलो करती है दैट मीनसिया मच्योर कंपनी है लेकिन जो कंपनियां ग्रोथ ओरिएटेड है ग्रोथ फेज में है ग्रोइंग कंपनी है वो कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं पे करती है वो लोग जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वापस री करते हैं ऐसे कंपनियों का अगर आपको प्राइस फाइंड आउट करना है या ऐसे कंपनियों का अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करना है तो आपको डिविडेंड प्राइस अप्रोच नहीं चलेगा वहां पे आपको अर्निंग पर शेयर दैट इज ईपीएस वाला जो प्राइस अप्रोच है या अर्निंग प्राइस अप्रोच जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा दैट वी विल चेक इन केस नंबर प्लेस right तो, तो आप हमारा अपलिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही सिस्टमैटिकली हो जाएगी जहाँ पे आप चैप्टर वाइज अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू चैप्टर विल गेट कवर्ड ओवर यूर वीडियो फॉर्मेट आपके मॉक टेस्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे एग्जाम जाने के पहले जो वन लाइनर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे और केस स्टडीज जो है वो भी डिटेल में कवर हो जाएगी तो आपको अगर अप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हैप्पी लर्निंग